बताऊंगा, पीएजीडी का ये फैसला है कि हम लोगों के साथ रابطہ कायम कर लेंगे, हम टकराव चाहते नहीं, हम यही कोशिश कर लेंगे और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जम्मू के लोगों के साथ मिलाप होगा, लद्दाख के साथ और मुल्क के आवाम जमहूरी कुव्वतों के साथ भी। और मकसद क्या है, जो खोया है हमने वो हमें वापस मिलना चाहिए, जो जबरदस्ती लिया है हमसे वही वापस मिलना चाहिए। क्या लिया हमसे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने दिया जमानतें हमारी शनाख्त को बचाने के लिए। ये तो लंबी बात है, फिलहाल क्या करेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं राबता कायम करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, मीटिंगें करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं आप। मतलब मुझे ये बताइए कि हम सरकार की तरह नहीं है कि हम नए नए कानून लागू करेंगे रात के अंधेरे में, हम सरकार की तरह नहीं है आपको खामोश करने के लिए नई नई तदबीरें वजह कर लेंगे। हमारा मुकदमा आवाम के सामने है, आज नहीं तो कल सरकार को सुनना होगा। ये तारीख का फैसला है और ये हमारी तारीख ही नहीं मुल्क की तारीख का फैसला है। बहरहाल जबर का जमाना खत्म होना है, ये हमारा यकीन है। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था, कुछ खास? बहरहाल मेरे ख्याल में ये आम नहीं है जो मैंने बातें कही। ये थे मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब जो बता रहे थे कि वो पीएजीडी मिलकर कश्मीर पेट्रियोट चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ हैं। आप लोगों से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। वी टेल स्टोरीज दैट आर रेयर, स्टोरीज वेयर वी बिकम योर वॉइस, स्टोरीज विच मैटर टू यू, सेंस नॉट सेंसेशनलिज्म। News that truly impacts you. We are looking for facts, not opinion. No agenda, but a simple policy of fair news. We don't debate or discuss problems, but solutions. Anything and everything that matters to you.